ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। जो चैप्टर है इसका नाम क्या है हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, हम लोग ग्रेविटेशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटेशन जो फोर्स जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती है अट्रैक्ट करती है एक सर्टेन फोर्स से एक वैल्यू से। हम लोग उसी ग्रेविटेशन को इस चैप्टर में अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो फोर्स है क्या। गॉट इट अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिससे हम लोगों ने ये पता किया था कि अगर कोई भी दो बॉडीज कहाँ पर स्पेस में, अगर सोलर सिस्टम में या स्पेस में कहीं पर हमारी दो बॉडीज होगी, उन दो बॉडी के बीच में फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, इट मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा वहाँ पर, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट की थी सर? एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। ये हम लोगों ने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो यूनिवर्स में जो दो बॉडीज के बीच में जो वर्क करता है जो फोर्स, वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सारे जो ये टर्म्स हैं इन सारी टर्म्स के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से टर्म्स आई हैं और कैसे हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था इस फॉर्मूले को। ठीक, तो मैं एक बार और यहाँ बता देता हूँ, जो आपका कैपिटल एम है ये किसी ऐसी बॉडी है जो बड़ी है, इट मीन साइज में बड़ी है, मास जिसका ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम। मैंने लिया था उसका मास किसी बॉडी का। ठीक है, एक बॉडी मैंने ली थी जिसका मास स्मॉल एम था, जो उससे इसके कंपेरिजन में इसका मास थोड़ा सा कम था, गॉट इट, और इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने क्या कंसिडर की थी, डी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने ये सारी चीजें कंसिडर की थी, इसके बाद जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दोनों बॉडी के बीच में जब अप्लाई हुआ, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूल से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, इसको निकाला था, गॉट इट। तो यहां पर आप लोगों को एक वैल्यू दिखेगी जिसका जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, जब क्या होता है, कब लगता है ये, जब हमारी कोई भी दो क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में जब प्रोपोर्शनल होती है ना, प्रोपोर्शनल होती है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट एक कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप का वो कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हटा करके हम क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट वहीं से आया। तो इस जी की वैल्यू क्या होती है, जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस जी की वैल्यू भी मैंने आप लोगों को बताया था सर कि 6.67 × 10⁻¹⁰ होती है। क्या होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसे इस वर्ड से याद रखो। ठीक है, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आप लोगों को डिस्कस की थी, कितनी होती है, 6.67 × 10⁻¹⁰। गॉट इट? यहाँ पर मैंने जब आपको इस फॉर्मूले को बताया था, तो मैंने आप लोगों को जी का फॉर्मूला, जी की जो यूनिट है वो भी मैंने आप निकाल के बताई थी आप लोगों को किस तरीके से हम इसकी एसआई यूनिट को निकालते हैं। तो जरा एक बार और देखो कि एसआई यूनिट को कैसे निकालते हैं। ये एफ है, एफ इट मींस क्या होता है सर, न्यूटन। एफ की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हम लोगों को पता है ऑलवेज न्यूटन होती है। यहाँ से डी स्क्वायर जो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इट मीन्स यहाँ क्या जाएगा हमारा डी दो बार है, और डी इट मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर लिखूंगा। और ये दोनों क्या है सर, मास है, मास है, इसका मतलब मास का स्क्वायर होगा, यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर होगा ये। तो ये क्या हो गई हमारी एसआई यूनिट हो गई इस ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की। इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके एग्जाम्स में भी, गॉट इट। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। इस यूनिट को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस यूनिट को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस टू। गॉट इट? कैसे, जब यहाँ से ये किलोग्राम उठ के ऊपर जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो पावर हमारी माइनस में हो जाएगी। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। गॉट इट? तो ये आप लोगों को इसकी वैल्यू याद रखना है, ऐसा यूनिट याद रखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है। गॉट इट? लोगों ने इतनी चीजें डिस्कस कर ली थी। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस
इस जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हेल्प से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को जब निकाला था, इस फॉर्मूले को जब फाइंड आउट किया था, ठीक है, तो उस फॉर्मूले की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो आप लोगों को पता है ग्रेविटेशन की वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हम लोग क्या क्या चार चीजें मोस्टली हम लोग यहाँ देखते हैं जिसकी वजह से किसका रीजन है, क्या है इसका कारण, ये चार इसकी वजह से होते हैं, ये इसकी वजह से होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले कि इम्पोर्टेंस क्या है इस लॉ का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कौन से लॉ का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो माइंड्स हैं, हम लोग यानी कि अर्थ पे इजीली वॉक कर पाते हैं, हम लोग इजीली चल पाते हैं, इजीली हम लोग रनिंग कर पाते हैं, इजीली हम अर्थ पर कोई भी वर्क कर पाते हैं, ठीक है, हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी को अर्थ पर बहुत इजीली कर पाते हैं, उसका रीजन क्या है, वो यही वाला लॉ है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट है क्या करता है, जो ये लॉ है यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स हमको क्या करके रखता है, हमको बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ से बाइंड करके रखता है, हम लोगों को जोड़े रखता है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे इजीली जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो हम कर पाए। गॉट इट। सेकेंड क्या है कि इस लॉ की वजह से क्या होता है इम्पोर्टेंट, इसका हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे सेकेंड वाला क्या है कि जो मून है जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, आसपास घूम रहा है, ठीक है ना, रोटेट हो रहा है, तो किसकी वजह से, हमने डिस्कस किया था कि किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स उन दोनों के बीच में काम कर रहा है। कोई भी दो बॉडी होगी उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्क करेगा ही, ऐसे कैसे अर्थ और मून के बीच में भी हमारा क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसको भी क्या कर रहा है, जो अब मून जो है वो जा नहीं रहा है, किसकी वजह से नहीं जा रहा है, बाहर की साइड नहीं जा पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऑर्बिट में ही रोटेट होता जा रहा है। उसका रीजन बताया था कि वो ऑर्बिट में ही क्यों रोटेट हो रहा है, वो बंधे हुए तो है कि वो जा नहीं रहा है, ठीक है, तो उधर की साइड क्यों नहीं जा रहा है, वो अर्थ पे क्यों नहीं गिर रहा है, तो उसका रीजन बताया था सेंट्रिपिटल फोर्स उनके बीच में काम कर रहा है। कौन सा फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वहां पर तो मोशन ऑफ द मून का भी रीजन है ये वाला। गॉट इट, मून का मोशन एज इट इज। हम लोग अगर सन और अर्थ की बात करें तो उसका भी रीजन है, ठीक है, आगे समझ में। और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास जो रोटेट हो रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उसका भी रीजन क्या है हमारा, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइड्स देखते हैं, टाइड्स आप लोगों ने देखा होगा शायद, टाइड्स, ठीक है, टाइड्स इट मीन्स जैसे बड़ी बड़ी जो हमारी कहां पर जो ओशन होता है वहां पर पानी एकदम से ऊपर उठता है, ठीक है, यानी कि इतना सारा वाटर एकदम से इतना ऊपर उठता है, वो किसकी वजह से उठता है, सन की वजह से और मून की वजह से। कैसे, उस पानी को क्या किया हुआ है, वो अट्रैक्ट कर लेता है एकदम से। जब अचानक से क्या होता है कि जब जो मून है, ठीक है, और जो सन है, ठीक है, वो अर्थ के पास में आ जाते हैं, और जब पास में आ जाते हैं तो पानी को अट्रैक्ट करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, तो एकदम से अट्रैक्ट करेंगे, और वाटर क्या होगा फिर ऊपर की साइड उठेगा। तो वाटर जब ऊपर की साइड उठेगा तो फिर वो क्या होता है, वहां पर टाइड्स होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पर उसका रीजन हो जाएगा, यानी कि सन की वजह से और मून की वजह से जो अचानक से जो जहाँ पर जो हमारा समुद्री इलाका है जिसको अपन बोलते हैं, वहां पर जो टाइड्स होती है वो इन दोनों की वजह से होती है, यानी कि इस फोर्स की वजह से होती है। कंटिन्यू ऑन द स्टूडेंट, आप लोगों को जब आप आपकी अर्थ को भी जब एक जो गोल स्फीयर में पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है हमारी अर्थ, ठीक है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, इलिप्टिकल शेप में है थोड़ा सा। तो जब आप उसको स्पेस में जाके बाई चांस कभी देखोगे ना, तो आपको एक अजीब सी चीज़ दिखेगी, कैसी, एक बॉल है और उस बॉल के ऊपर एक पानी जो वाटर है ना पूरी बॉडी चिपकी हुई है, ठीक है, यानी कि पानी नीचे की साइड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, वाटर नीचे नहीं गिर रहा है, वो उसका रीजन आप लोगों को पता है कि वो इसकी वजह से गिर रहा है, क्योंकि वो उसने उसको अट्रैक्ट किया हुआ है। गॉट इट। तो ये ऐसा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सर, फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम, फ्री फॉल क्या होता है। ध्यान से दिख ही रहा है आप लोगों को सर फ्री फॉल का मीनिंग क्या होगा, ये फ्री फॉल का मतलब क्या होगा कि कोई भी अलोन बॉडी, ठीक है, जैसे सपोज दिस इज अर्थ, अगर मैं इस अर्थ की बात करता हूँ, ठीक है, अगर ये अर्थ और यहाँ से अगर मैं कुछ हाइट से किसी भी बॉडी को जब इस अर्थ के ऊपर मैं गिराता हूँ, किसी बिल्डिंग से, ठीक है, बहुत ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से मैं क्या करता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को जब मैं फॉल करता हूँ या गिरता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, कौन करेगी सर, अर्थ। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, ठीक है, नीचे की साइड ये अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक,
यानी कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे हो कि जब भी हमारा जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ आती है तो क्या उसमें इस पोजीशन में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, मतलब सेम डायरेक्शन में लगेगा। ये जो इसका पाथ है, यहाँ पर मोशन की जो डायरेक्शन है वो क्या चेंज होगी? हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसा घूम के फिर ऐसा घूम के ऐसा घूम के ऐसा घूम के अचानक डांस करता हुआ क्या नीचे की साइड आएगा? नहीं आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इतनी बात मानते हो। अब यहाँ से आपने जैसे इस ऑब्जेक्ट को गिराया, यहाँ से आप लोग जब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो अलोन किसी ऑब्जेक्ट का जो आप गिरा रहे हो, तो यही जो ऑब्जेक्ट का गिरना जो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, व्हेन दी ऑब्जेक्ट जो है किसी अर्थ से जब अट्रैक्ट हो रहा है अलोन ऑब्जेक्ट्स, उसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। अब यहाँ पर आप हर पॉइंट को देखो, हर पॉइंट यानी कि हर एक पॉइंट पर देखो, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे छोड़ा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो इस पोजीशन पे आएगा, देखो यहाँ पर जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा तो यहाँ अगर ये आ गया इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर धीरे 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 जैसे 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 नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, इसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी सर, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जब वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि हर पॉइंट पर हमारी क्या हो रही है सर, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। और हर पॉइंट पर जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी का चेंज होना ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। याद होगा आप लोगों को कि सर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बताओ। ठीक है, पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी में जब चेंज आता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तब क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इस चीज को हम लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन होता है। गॉट इट, कब होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जब बॉडी में चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, सॉरी। ठीक है, जब बॉडी की वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा सर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो क्या यहां पर भी तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, वेलोसिटी इट मींस स्पीड चेंज होगी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्शन डिफाइंड इसलिए वेलोसिटी बोल रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, got it, but speed is not a vector quantity, this is scalar quantity। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग की क्या हो रही है, आप लोग देख रहे हो कि सर हाँ वेलोसिटी तो यहाँ पर चेंज हो रही है क्योंकि स्पीड जो है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है सर कि एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जब हम लोग अभी अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहे हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे सर, ए यूज कर रहे थे वहां पर। ठीक है, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग द एरो साइन एट दिस एट दिस सिंबल। व्हाट इट, वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, एरो साइन को पुट करते हैं एज इट इज। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से हो रहा है सर, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो रहा है सर, हमारा हो रहा है। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसको डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम लोग डिनोट करेंगे ना ग्रेविटेशन में, वो स्मॉल जी से। यानी कि अब यहाँ पर आप लोगों को एक और फिजिकल क्वांटिटी मिली जिसका नाम क्या है हमारा जी, बट इट इज एक्सेलरेशन, डेट्स वाई इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन होने की वजह से इसकी ऐसा यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको ऐसा यूनिट बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर समय आपसे पूछी जाती है। गॉट इट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल जी को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल जी को क्या बोलते हैं सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हम लोगों को पता है कि सर कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है, तो आपको पता है किसमें, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन हमारी डिफाइंड है, तो डायरेक्शन जिस ऑब्जेक्ट में डिफाइंड होती है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो दोनों ही ऑब्जेक्ट में होता है, तो हम लोग उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, हम लोग उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डेट्स वाई ये एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम लोगों को, आप लोगों को पता चला है कि ये जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सर, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी अर्थ है।
ठीक है, आप लोग को पता है दोनों के बीच में क्या लग रहा है, सर फोर्स अप्लाई तो हो रहा है, उस फोर्स की वजह से ही क्या हो रहा है, उस फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, और वो फोर्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, आप लोगों को बहुत ईजिली पता है, ठीक है। बट क्या हम लोगों ने इसके पहले हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाल चुके हैं ना हम लोग इसका फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, मोशन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था हम लोगों ने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देख रहे हो कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेट मी नो फास्ट सर, एम ए होता है, क्या होता है, एम ए होता है, ए मीन्स एक्सेलरेशन, गॉट इट, एम मीन्स मास, यही होता है ना, हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड चैप्टर, ठीक है, याद है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि सर इस F की वैल्यू हमारे पास है, अब यहाँ पर अगर मैं इस फोर्स की बात करता हूँ तो आप लोगों को इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि वो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जी एम। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ले रहे हैं, तो मैं इस फोर्स की वैल्यू रख देता हूँ, इस फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी सर, जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी क्या निकाली थी, जी एम एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर हम लोगों ने निकाली थी। तो वही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ एफ की प्लेस पर, तो जी एम एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, डी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, ये तो मास हो गया हमारा, किसका मास हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट का मास होता है, ऑब्जेक्ट की मास लेते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का मास अगर ये एम है, ठीक है, और ये अर्थ का मास है, कैपिटल एम है, गॉट इट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एम है, तो इस एम को हमें यहाँ पुट कर देंगे, गॉट इट, और ये एम ऑलरेडी है, ये एक्सेलरेशन वहां पर हम लोगों ने सिंपल एक्सेलरेशन जो देखा था, ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा था सेकंड चैप्टर में जो देखा था वही वाला एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो गया है, किसमें कन्वर्ट हो गया है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, यानी कि जी में कन्वर्ट हो गया है, इट मीन्स आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए, इट मीन्स यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सर, जी लिखूंगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एम जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जी की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ से एम हमारा क्या हो जाएगा सर, क्रॉस हो जाएगा, तो आप लोगों को सिंपल तरीके से जो जी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैपिटल एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है सर, याद रखना है कि ये एक्सेलरेशन का हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ से फॉर्मूला निकाला, तो ये हमारा क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर इसकी फॉर्मूला आ जाता है आप लोगों को कि इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालो, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, कि जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है, एम से एम तो हमारा क्रॉस हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जी हो जाएगा, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस जी, ये एक्सेलरेशन होने की वजह से हम लोग एक्सेलरेशन की पहले ही यूनिट पढ़ चुके हैं जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर भी हमारी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकंड होगी, वो तो देना चेंज हो जाएगी, गॉट इट, चलो तो ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाल लिया, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट अब ध्यान सुनना, अब ऑब्जेक्ट ये थोड़ा सा क्या था, अर्थ से थोड़ा सा दूर था, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा अर्थ से थोड़ा डिस्टेंट पर होगा तो हम लोग इस डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, जो कि ये हमने ली थी डी, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने क्या ली थी सर, डी ली थी, तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब वो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है तो वहां पर हम लोगों ने डिस्टेंस क्या कंसिडर की थी, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत पास होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं होगा, मान लो अर्थ पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या टेबल पर रखा हुआ है या किसी चीज पर रखा हुआ है, तो वहां पर जो होगा ना, वहां पर हम लोग क्या लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के पास में होगा तो सर डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है सर, सेंटर की तरफ, अर्थ कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के काम करती है, इधर सेंटर की तरफ, ठीक है ना, टू अर्थ सेंटर खींचने की कोशिश करती है अर्थ, यानी कि फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये सब यहाँ पर हो रहा है, सारा का सारा फोर्स सेंटर की तरफ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो टॉप पर आ जाता है क्योंकि टॉप हमारी सॉलिड फॉर्म होती है, गॉट इट। तो यहाँ पर अगर हम लोग जब डिस्टेंस कंसिडर करेंगे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बहुत ज्यादा अर्थ के पास में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थ की रेडियस को ही, अर्थ की क्या करेंगे, अर्थ की रेडियस, मान लो इसका अर्थ की जो रेडियस होगी ना, वही हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे यहाँ पर, कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ज्यादा पास होगा तब, ठीक है। तो अर्थ की जो रेडियस अगर मैं ले लेता हूँ, तो आर ले लेता हूँ अगर मैं इसकी रेडियस, तो यहाँ पर डिस्टेंस की प्लेस पर क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं डिस्टेंस की प्लेस पर रख सकता हूँ, तो आप लोग जब डिस्टेंस की प्लेस पर इसको रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, कैपिटल आर।
लोग लेंगे और जी की जो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं वो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग फ्री फॉल से हम लोगों ने एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी जिसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, जब हम लोग सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हम लोगों को जी की एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी, जो लगभग जी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर, 9.8 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 9.8। ये हर फॉर्मूला में हम लोग इस जी की एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, कितनी होगी, जी इज इक्वल टू 9.8, यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि फिक्स रहेगी ये वैल्यू। ठीक है, हर पॉइंट में, हर फॉर्म में, यानी कि हर चीज में हम लोग क्या रखेंगे सर, 9.8 इसकी वैल्यू रखेंगे। और 9.8 को जब हम पूरी वो करते हैं, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि जब भी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो अगर 5 से बड़ी होती है, 5 से अगर बड़ी होती है तो हम इसको ओवरऑल कंडीशन में क्या लिखते हैं सर, 10 लिखते हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हम लोग इसकी वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा पास में होता है तब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड थी। इस फॉर्मूले से हम लोगों ने दो फॉर्मूले और निकाले। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था आज का। इसके आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। गॉट इट, तब तक के लिए आप इसका और अच्छे से रिवीजन करो। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय, टेक केयर।